सही है, ठीक है, प्लीज थोड़ी देर कॉपरेट करो, बढ़िया करो। दो मिनट चुप बोलो, अभी करूंगा मैं, सब करूंगा, रुक जा, मेरे को भी तो करने दो। अरे पढ़ ले अब जरा अच्छे से, ठीक है, थोड़ी देर की बात है, ठीक है। हम कैसे पढ़ेंगे तैयारी, ध्यान से देखना। पहले मैं तुम्हें थोड़ा चीज बता दूं, हम पढ़ने कैसे वाले हैं। जैसे मान लो सिम, ठीक, पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, अच्छे से, मतलब एक टॉपिक हम नोट्स का पढ़ेंगे, फिर उसी, क्योंकि नोट्स हमें समझ में आ जाएगा, फिर उसी को हम एनसीईआरटी में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इससे ही होगा, जो भी डाउट्स होंगे वो हमारे एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएंगे साथ साथ, ठीक है ना, इसलिए तुम्हें दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट करते सबसे पहले, और जो तुम्हें लगे इंपॉर्टेंट है वो लिख सकते हो, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कतें ना हो। और मैं ये कहूंगा नोट्स में प्रिंटेड भी दूंगा मैं, ठीक है, पर लिखना इसलिए ताकि तुम्हारा रिवाइज हो सके, वरना तुम तो नोट्स तुम्हारे घर में पड़े रहते एक कोने में, ठीक है, लिखना जरूर, ठीक है, उससे तुम्हें समझ में आएगा। हेड डाली सबसे मैग्नेट स्टार्ट करेंगे चैप्टर की जान, हेड डाली मैग्नेट सबसे पहले। मैं या तो पढ़ा ही सकता हूँ या चुप ही करा सकता हूँ, तो देख लो भाई क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। हेड डालो मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट होता क्या है, बेसिक से बात करते हैं। मैग्नेट लिखा गया ये भी पढ़ के सुनाते हैं। अ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस अ फील्ड दैट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर सच मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक नेचर। मतलब सिंपल बात है, ध्यान सुनना, ऐसा कह रहा है मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, इसका नाम ए है, ठीक है। ए को मैग्नेट कब कहेंगे, जब ये किसी को अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी। अट्रैक्ट और रिपेल कब करेगा वही हम देखेंगे, ठीक है ना। अगर आयरन के पार्टिकल्स होंगे तो उनको अट्रैक्ट करेगा, और वहीं पे अगर मान लो प्लास्टिक के पार्टिकल है उनको कुछ नहीं करेगा, मतलब कुछ नहीं करेगा, मतलब रिपेल ही करेगा बेसिकली, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो हैंड डाला मैग्नेट, इसमें लिखना सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, अ मैग्नेट इज अ मटीरियल विच प्रोड्यूसेस या दैट प्रोड्यूसेस अ फील्ड, एक फील्ड पैदा करता है, ठीक है ना। फील्ड क्यों बोल रहा है ये भी समझ लीजिए। मान लो मैग्नेट तुम्हारा यहाँ रखा है, इधर देखो मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये मैग्नेट है ऐसा। अब यहाँ से लेकर प्रेमनगर तक को तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अपने एक रीजन में ही तो अट्रैक्ट कर पाएगा ना, वही उसके क्या है, फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेट क्या करता है, ध्यान सुनना, एक ऐसा मटीरियल जो एक फील्ड क्रिएट करता है, ध्यान सुनेंगे, मैग्नेट एक ऐसे मटीरियल को बोलते हैं जो एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके अंदर वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। समझ में आया नहीं आया, सिंपल हिंदी में, ठीक है, तो लिखिए, अ मैग्नेट इज अ मटीरियल दैट प्रोड्यूसेस अ फील्ड, दैट प्रोड्यूसेस अ फील्ड, अ फील्ड, अ फील्ड दैट दैट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स, दैट अट्रैक्ट्स और रिपेल, अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर सच मटीरियल, अदर सच मटीरियल, अदर सच मटीरियल ऑफ मैग्नेटिक नेचर। कैसा नेचर है, मैग्नेटिक नेचर, ऑफ मैग्नेटिक नेचर, मटीरियल ऑफ मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, अच्छा, अगर किसी ने बचपन में कहानी पढ़ी हो तो जरा सुनते। बचपन में क्या होता था ना, एक कहानी पढ़ी होगी, 8th क्लास में पढ़ी थी शायद, तुम लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो एक आदमी था, वो मैग्नेट वाला हाल पढ़ा ही होगा शायद, मैग्नेट बनी कैसे, दुनिया में इन्वेंट कैसे हुए मैग्नेट, वो आयरन अपनी स्टिक लेके घूमता रहा था, तो फिर एक ढेर होता है उसमें अपनी स्टिक डालता है तो एक चीज अट्रैक्शन शो होती है, तो उसे पता लगता है कि ऐसा कुछ, हाँ जो भी बकरिया चला रहा था, जो भी शीप वगैरह, ठीक है, स्टोरी पढ़ी है ना सबने, तो उसका क्या है, इधर सुनो, अरे खुद ही बातें कर लिया मेरी सुनो तुम, बात ऐसी है, ध्यान सुनना, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट क्या सबको अट्रैक्ट करता है, ऐसा तो है नहीं प्लास्टिक को करता है, मैग्नेट किसी किसी मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, किस किस को करता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखिए, सबसे पहले नेचुरली अकरिंग मैग्नेट कौन सा है, लोडस्टोन, लिखो लोडस्टोन, LOD, लोडस्टोन इज द, लोडस्टोन इज अ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, लोडस्टोन क्या है, एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है, फुल स्टॉप, इट कैन अट्रैक्ट मटीरियल्स लाइक किस किस को अट्रैक्ट करता है, इट कैन अट्रैक्ट मटीरियल्स लाइक आयरन निकल कोबाल्ट, जो लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ आयरन कोबाल्ट निकल, अच्छा आयरन का सिंबल
Fe, निकल का Ni और कोबाल्ट का होता है CO, ठीक है ना, C कैपिटल O स्मॉल, ठीक है प्लीज, अरे लिखा करो सबसा, ठीक है, आयरन निकल कोबाल्ट, मतलब क्या है, लोडस्टोन जो अट्रैक्ट करता है वो आयरन को करता था, निकल को और कोबाल्ट को, ठीक है, इतना सही है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज लिखो, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी पाई गई ये हमें देखना है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ठीक है, हेडिंग डालो प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर नोट्स बनाना, हो सके तो दो दो तीन तीन पेन से लिखा करो ताकि घर जाके पढ़ने का मन करे, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, वरना एक स्केच पेन का पैकेट खरीद लो 10-20 रुपए का आता है, काम हो जाए तुम्हारा बढ़िया करके, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट लिखा, लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में लिखो सबसे पहले, और हाँ नोट्स तुम अपने लिए बना रहे हो, मेल लेनी, ये ध्यान रखना, तो ऐसा बनाना कि ताकि तुम्हें घर में जाके समझ में आ जाए, लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में लिखो, अब मैग्नेट इज ऑलवेज बायपोलर, मतलब क्या है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अब मैग्नेट इज ऑलवेज बायपोलर, स्पेलिंग है BIPOLAR, बायपोलर, ठीक है, बायपोलर, बायपोलर मतलब दो पोल, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, हमने पढ़ा है शायद, तो ठीक है, अब मैग्नेट इज क्या लिखा, मैग्नेट इज ऑलवेज बायपोलर, आगे लिखो ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, कौन से पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, आगे हो गया, आगे आगे फुल स्टॉप, ये दोनों पोलों को अलग अलग तो कर नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेट है उसका नॉर्थ अलग कर दे साउथ अलग कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम ऐसा सोच लोगे कि चलो ये नॉर्थ है साउथ है, यहां से तोड़ते, ठीक है, जैसे तोड़ोगे ना दो मैग्नेट तो बन जाएंगे माना, लेकिन ये वाला साउथ बन जाएगा फिर ये वाला नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसा होता है, हम कभी दोनों मैग्नेट को सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब पोल्स को, सॉरी लिख देना, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, आराम से, चलिए इसको जरा पढ़ लेते हैं एक बार, नॉर्थ पोल कौन सा है साउथ पोल कौन सा है, तो हमने क्या करा, मान लो एक बार मैग्नेट है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, इसको धागे से बांध देंगे और यहां से लटका दिया, ठीक है, तो ये कुछ घूमेगा थोड़ी देर, फिर ऐसा सीधा हो जाएगा, तो जो चीज नॉर्थ की तरफ आई वो नॉर्थ पोल मैग्नेट का, जो साउथ की तरफ आई वो मैग्नेट का साउथ पोल, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि देखो मैं मानता हूं तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता मैग्नेट की, पर तुम्हें दुनिया की डायरेक्शन तो पता है ना, मतलब अपनी तो डायरेक्शन पता ही है कि सामने वाला नॉर्थ है पीछे साउथ है ऐसा कुछ, तो मैग्नेट बार मैग्नेट से बांध के घुमाया, ध्यान सुनना, जब ये मैग्नेट घूमेगा तो जो साइड नॉर्थ की तरफ होती है वो नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ होती है वो साउथ पोल, ठीक है, तो लिखिए हिंदी में लिखेंगे बढ़िया करके, लिखिए प्रॉपर्टी में, यहाँ प्रॉपर्टी में ही लिखिए, पहले हिंदी में लिखेंगे फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, आराम से लिखो, जब हम किसी बार मैग्नेट को, जब हम किसी बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट हिंदी इंग्लिश में लिखना है, हिंदी मत लिख देना, बार बी बासे बकरी आसाना तो कर भी सकते, ठीक है, बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड मतलब है लटकाते ऐसे, ठीक है ना, ऐसे छोड़ देते हैं फ्रीली, सस्पेंड करते हैं तो जो पोल जोग्राफिकल नॉर्थ को दिखाता है, जो पोल जोग्राफिकल नॉर्थ को दिखाता है वो कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल, वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और आगे वाइस वर्सा, आधे ये कौन सी भाषा है, वाइस वर्सा मीन, हाँ बताओ मैं इधर चुप, फालतू तो बकवास मत करा कर यहाँ बैठिए, ठीक है, और तू क्या बता रहा है वो भी बताऊ मैं, हाँ भाई वाइस वर्सा मीन्स जैसा नॉर्थ का नॉर्थ है ऐसे ही साउथ पोल, जो कौन होगा साउथ पोल, जो ज्योग्राफिकल साउथ को बताएगा,
ज्योग्राफिकल मतलब जो हमारी ज्योग्राफी है उसके अकॉर्डिंग, जो नॉर्थ को बता रहा है वो नॉर्थ पोल, जो साउथ को बता रहा है वो साउथ पोल, कोई परेशानी इस बात पे? ठीक है, यही लिखा था, वाइस वर्सा का यही मीनिंग है। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को फटाफट इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं और लिखने की कोशिश कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ध्यान सुनना, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज द साइड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द अर्थ्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पोल मैग्नेट का कौन होगा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दिखाएगा, व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब फ्रीली उसको हवा में छोड़ देना, तब समझ में आया। जो नॉर्थ पोल कौन होगा, जो नॉर्थ साइड को दिखाएगा, और जो साउथ साइड को दिखाएगा वो कौन होगा, साउथ पोल, कोई परेशानी इसमें, इतने में कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे, ये वैसे हमें पता भी है कि जो सिमिलर पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम वाले रिपेल करते हैं, कैसे ध्यान से समझेंगे। फिगर के अकॉर्डिंग ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, ये पर्पल वाला जो है वो नॉर्थ है और जो ब्लू वाला है वो साउथ है, कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, इस फिगर में नॉर्थ और साउथ कैसे अपोजिट है, एक नॉर्थ एक साउथ है, अनलाइक पोल्स है ना, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं अट्रैक्ट, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, देखो पास आने का एरो है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अच्छा अब तो दिखेगा शायद, ठीक है अब तो दिख रहा, ये पास आ रहे, ठीक है, और जब दोनों देखो ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है तो दोनों सेम है, लाइक है ना, लाइक पोल्स, ये क्या करेंगे रिपेल, तो दूर जाने का एरो है, कोई दिक्कत इसमें? ऐसा समझा रहा है कि जो लाइक पोल्स होते हैं सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर या रिपेल, सिमिलर पोल्स रिपेल, रिपेल मतलब नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो रिपेल करेंगे पर नॉर्थ और साउथ होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, कोई बात इसमें दिक्कत की? तो लिखो प्रॉपर्टी के नीचे एक और पॉइंट, लिखिए लिखिए, लाइक पोल्स लाइक मतलब एक जैसे, जिसको नहीं पता लिख लो ब्रैकेट में, बाद में सोचा मत करो, लाइक मतलब जो पसंद होते हैं यही सोचते, लाइक पोल्स में लिखो ब्रैकेट में एक जैसे, लाइक पोल्स में लिखो एक जैसे अट्रैक्ट या रिपेल, रिपेल रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल रिपेल मतलब दूर भेजते हैं, लाइक पोल्स रिपेल। दूसरा लिखो उसी के नीचे, अनलाइक पोल्स, अनलाइक मतलब अलग अलग, अनलाइक पोल्स UN, अनलाइक पोल्स क्या अट्रैक्ट, वो तो तुम्हें पता ही होगा स्पेलिंग तो आती होगी, अट्रैक्ट ईच अदर, डन यहां तक। एक बार ये पेज पढ़ लो जितना लिखा है, एक बार फटाफट पढ़ लो पूरा पेज, फिर हम एनसीईआरटी में इसको ढूंढेंगे। पढ़ लिया ऐसे नहीं, इतने कॉन्फिडेंस में मूव करना, पता है मुझे तुम बहुत तेज हो, पर एक बार पढ़ लो, फिर पेपर में इसी से क्वेश्चन आएगा, फिर तुम बोलोगे वाह। चल चल पढ़ ले एक बार जल्दी हो गया। हाँ भाई, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं ये देखेंगे।